गुड इवनिंग, नमस्कार, मेरा नाम सुजय गुप्ता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन फॉर अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ कार्टून.इन प्रेजेंट सैटरडे स्टारडम लाइव। हमारी आज की गेस्ट की मदर से आप कुछ समय पहले सैटरडे स्टारडम लाइव पे मिल चुके हैं। हमारी आज की गेस्ट एक ऐसी एक्टर है जो एक होस्ट भी है और एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज ज्वाइन मी इन वेलकमिंग द वेरी ब्यूटिफुल एंड ह्यूमरस पूजा कंवल। Let's connect with her. Pooja Kamal, namaskar. Thank you for joining in on our episode today. And bahut sare log bade der se wait kar rahe hain. They are looking forward to meet you and know about you. Thank you for joining in. How are you? Thank you so much, Tujay, for having me. I've been very excited about it. खुद बहुत ही एक किस्म से मैं कह सकती हूँ nervous भी हूँ मैं इसको लेकर, not because I'm in front of the camera, थोड़ी सी आदत की है, but because आज मेरे लिए बहुत बड़ा role reversal है। मैं आमतौर पे आपकी कुर्सी में रहती हूँ और आज मुझे दूसरी तरफ रहना है, तो मैं अपने आप को बार बार याद दिलाती हूँ, आई हूँ कि बीच में सवाल मैं ना पूछने लग जाऊं, आपकी लाइनें मैं ना बोलने लग जाऊं। So I guess this is like a host to host sort of feeling. But I must tell you, मैंने आपके interviews देखी हैं मम्मा के साथ भी, with my mom Anita Kamal, and I have to tell you, I love, you are inspiring me. I love the work you're doing. जितना खूबसूरत आपका स्टूडियो है एंड जो आप होमवर्क करके आते हैं, आई शुड लर्न अ फ्यू थिंग्स डेफिनेटली फ्रॉम यू अबाउट, यू नो, एक आर्टिस्ट को जब वो आपसे बात करने आते हैं, आप उन्हें ऑलरेडी ये फीलिंग दे देते हैं कि आप उनको जानते हैं, तो इंस्टेंटली वो इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं, एंड आई थिंक एज अ होस्ट दैट इज अ वंडरफुल क्वालिटी। सो एवरीवन हियर, सुजय हमेशा आर्टिस्ट की तारीफ करते हैं, लेकिन आज हम शुरू करेंगे सुजय की तारीफ करते हैं। यू आर डूइंग अ फैबुलस जॉब। Okay, so coming to this, you are a host, you are a successful actor, and you are also a voiceover artist. You have so many different, you know, multi-talented personality you are. How has this journey been of yours? You know, my journey has been very interesting because up December mein, 5th December, mujhe 18 saal poore ho jayenge in performing. Just if I summarize all of these as a performer. 18 साल प्रोफेशनली एज अ परफॉर्मर, एंड इफ आई काउंट दोज यू नो एड्स दैट आई डिड फॉर पॉकेट मनी अलोंग विद कॉलेज, या जो मैंने भाग के कोई टेलीफिल्म की, लिटरली नॉट भाग के बिकॉज़ आई वाज ऑलवेज अलाउड, बट क्लासेस बंक करके या वो सब करके, अगर मैं वो गिनूं तो मुझे हो जाएंगे पूरे 20 साल। आई नो मैं 20 साल, या आई एम वेरी ओल्ड, बट नेवर माइंड दैट। बट द पॉइंट इज के एक अब आप उसे बोले दैट यू नो पहले मेरी शुरुआत हुई जब मैं बहुत सीरियस प्रोफेशनल डांस ट्रेनिंग में थी, तो या तो एक डांसर्स थे, एक्टर्स थे, होस्ट थे, वॉइस आर्टिस्ट, लेकिन उन सब में एक चीज कॉमन है, एंड विच इज बीन ट्रू टू माय थॉट द मिनट आई डिसाइडेड टू डू व्हाट आई सेट आउट टू डू 20 इयर्स अगो, और वो एक चीज कॉमन ये है कि मैं अपने आप को ना एक्टर मानती हूँ, ना डांसर मानती हूँ, ना होस्ट, ना वॉइस आर्टिस्ट, मैं सिर्फ एक चीज मानती हूँ, एंड दैट इज एन एंटरटेनर। So I believe, जैसे अगर आप भी मुझे आज इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मैं अपने आपको यही बोल रही हूँ कि इस इंटरव्यू के जरिए कोई ना कोई कहीं ना कहीं एंटरटेन होना, किसी ना किसी को एंटरटेन होना चाहिए, अगर उन्होंने वो आधा घंटा निकाला है हमें स्क्रीन पे देखने के लिए, सो दे शुड गेट एंटरटेन। सो द मिनट आई हैव थॉट ऑफ माय सेल्फ एज एन एंटरटेनर, आई हैव बीन एबल टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम wanting to be a heroine or wanting to, you know, be in a, projected in a certain way. If I'm doing a character, I should be able to entertain through the story that that character is a part of. If I'm hosting, as a host, मैंने कई अलग अलग, you know, areas में hosting किया है, as an entertainment show on news channels, as a serious, you know, even business shows, everything. But at that point of time, when that person is watching you, be it even on a live, मैंने wedding संगीत भी host किया, उन्हें उस टाइम के लिए जब आप उनके सामने हैं, दे शुड फॉरगेट एवरीथिंग अराउंड एंड दे शुड जस्ट सरेंडर टू दैट कंटेंट दैट यू आर प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ देम। सो आई हैव अप्लाइड दैट टू ऑल द मीडियम्स एज अ डांसर, एज अ वॉइस आर्टिस्ट, एंड आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग दैट्स केप्ट मी स्ट्रांग एंड ग्राउंडेड थ्रू ऑल ऑफ दैट।
वाओ फैंटास्टिक. तो ये मतलब घर से भी बहुत सारी इंस्पिरेशन रहती होगी. अनीता मैम इज देयर एंड वहां पे भी काफी आइडिया शेयरिंग होता रहता होगा. एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव लर्न्ड सो मेनी थिंग्स बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट 20 इयर्स. उनका 20 इयर्स तो इज लाइक एक क्वार्टर कि भाई ये तो छोटा टाइम है. क्योंकि अब हमारे जीवन में मम्मा मेरे और फैमिली बढ़ती जा रही है और अब हमारे जीवन में कुछ नॉन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग भी हैं लाइक माय हस्बैंड और फॉर दैट मैटर माय डॉटर हु इज स्टिल जस्ट 8 इयर्स ओल्ड. तो जब हम उनके नजरिए से देखते हैं तब हमें इस बात का एहसास होता है कि हमारी कॉन्वर्सेशन घूम फिर के हमेशा एक अलग किस्म की होती है. अब ये बात हमें पहले नहीं पता थी क्योंकि घर में थी मम्मा मैं और मेरी दीदी जो एंटरटेनर नहीं है परफॉर्मर नहीं है बट शी इज ऑल्सो स्टाइलिस्ट. तो घूम फिर के वो भी कभी कभी अपना वर्क स्ट्रेस किया अरे उस कॉस्ट्यूम की कंटिन्यूटी में तो पिंक क्लिप था और ड्रेस दादा ने ब्लू क्लिप दे दिया. मतलब दीज आर वेरी लंच टाइम कॉन्वर्सेशंस इन आवर हाउस यू नो. तो अब हम ज्यादा दूर ना जाए आज मैं अपने मायके आई हुई हूँ आफ्टर अ गुड 8-10 days एंड आई हैव कम टू मॉम्स एंड आई वाज सिटिंग विद हर ओवर लंच. एग्जैक्टली 2 घंटे पहले हमारी ये बात हुई है कि मैं एक एड शूट करने वाली हूँ नेक्स्ट वीक. And I was sharing with her how when we had a creative वैसे ही Zoom पे हमारी मुलाकात भी टीम के साथ. And though I am an actor, I am for that particular ad the model and I will go and I will do as I'm told. But fortunately for me, I've also in a lot of places have become a part of the creating process, which happened by default. मुझे नहीं you know पहले ऐसे लगता था कि मैं बैठ के कंटेंट क्रिएशन पे बैठूंगी मैं सोचूंगी कि ये कंटेंट तो बहुत अच्छा है लेकिन इसमें 4 changes है और शूट हमें एक दिन में करना है तो हमें लॉजिस्टिक्स देखने. बट होस्टिंग कर करके कहीं ना कहीं मेरा थॉट प्रोसेस वैसा हो गया. तो इट वाज जस्ट शेयरिंग विद मॉम कि कैसे उस प्रोसेस में मैंने कुछ सजेशंस दिए और क्या उनपे यू नो रिस्पॉन्स मिला कुछ अच्छा कुछ गलत कि मैंने ये गलत बोला व्हाटएवर एंड देन उन्होंने अपना मुझे फीडबैक दिया. सो जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ ये मटर पनीर खाते वक्त हमारे घर में ऐसी बातें होती हैं, you know? हाँ, जो हमें इट इज नॉट कि मम्मा आई हैव टू मीट यू और आई हैव टू आस्क यू कि मैं ऐसे क्या करूं या मैं इधर बैठी हुई हूँ अब मैं क्या बोलूं. इट इज जस्ट दैट्स व्हाई इट हैज बीन अ पार्ट ऑफ माय प्रोसेस फ्रॉम व्हेन आई वाज आई थिंक मैं 3 या 4 साल की थी जब मैंने दावा को मतलब ऐलान कर दिया था कि मैं एक्टर बनने वाली हूँ. सो माई होल फैमिली न्यू इट. तो कहीं ना कहीं एक इंटेंशनल तरीके से जैसे अगर कोई और यू नो हिंदी में कोई गलती करे या किसी की आवाज अच्छी नहीं लगे तो आप अपने फैमिली मेंबर को बोलोगे नहीं. लेकिन क्योंकि ये लड़की इतनी क्लियर है कि इसे एक्टिंग करनी है तो इसे हम अभी करेक्ट कर. सो लिटिल थिंग्स विच वर ऑलवेज पार्सल ऑफ द होल प्रोसेस ऑफ मी ग्रोइंग अप एंड दैट लर्निंग विच आई स्टिल थिंक इज हमारी फैमिली का एक हिस्सा. हम अभी भी बैठ के खासकर जब मम्मा मैम और मैं मिलते हैं मम्मा दीदी मैं मिलते हैं तो बातें घूम फिर के ऐसी ही होती हैं. हाँ जब ग्रुप्स बड़ी हो जाती हैं कुछ फ्रेंड्स जो इंडस्ट्री से बाहर के हैं या फैमिली मेंबर्स तब हम थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं कि ऐसा ना हो कि हम उन्हें बोर कर दें अपनी बातों से. बट बिकॉज ये ही हमारी यू नो भूमि है कि हम अपने आप को डिटैच नहीं कर पाते. जैसे इसके इतनी पॉपुलैरिटी के बाद और इतना आपने यू डन सो मच ऑफ वर्क You started a jewelry brand, Mehtani Jewelers. Yes. Yeah. So you know this year, no. हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल. ये जो year 2020 है, it's been a lot about change. I don't know how much everybody believes in energy cycles and changes and all. लेकिन मैं ज़्यादा deep उसमें ना जाऊँ तो भी एक चीज़ है जिस जो साल 2020 के बारे में है. That it has been a year of major, major change. You know, for some, for the better. For some, it's been for the worst, you know. So there have been all sorts of things. And मेरे साथ कुछ ऐसा टाइमिंग हुआ कि टचवुड पिछले 5 सालों से मुझे नहीं पता था दिन क्या है रात क्या है संडे क्या है मंडे क्या है. मैं सुबह उठती थी तो मुझे 10 सेकेंड लगते थे देखने के लिए कि मैं आज कहाँ हूँ कौन से शहर पर टचवुड नॉक ऑन रूम. तो उस टाइम कुछ होश नहीं था बिकॉज कैलेंडर वॉज इन अ वेरी नाइस एंड पॉजिटिव एंड इन माई ओन स्मॉल वे नाइसली डिसेंटली And occupied, you know? तो उस समय बिल्कुल वक्त नहीं था सोचने का कुछ और क्योंकि शायद अब इस अगर मैं 18 साल के ग्राफ की बात करूं तो हमने बहुत फेजेस ये भी देखे हैं जब 1-2 साल अच्छा काम नहीं मिल रहा होता है आर्टिस्ट को जैसा काम चाहिए थिंग्स डोंट मटीरियलाइज और वही आर्टिस्ट वही परफॉर्मर देन यू सीन द 2 years of not knowing your next holiday and I think that happens with almost every performer.
So yes, for me, the last couple of years, 4-5 years, were not about thinking. They were not about planning. They were just about executing and doing the work that was in my lap. Now, as we all know, the lockdown happened. I was doing a lot of events, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल थे और कुछ ऐसे shows भी मैं TV पे कर रही थी जो because of the scenario वो अभी के लिए तो नहीं जा रहे हैं air पे. And I don't know. So this was a great time for me to sort of sit and think. And it just so happened that my husband, who is a fourth generation Chuda, was also planning to start his own. He was with a joint family jewelry structure, and he's been doing this. Like I said, fourth generation, तो उनकी रगों में उनकी family में jewelry is, like I said, for us जैसे performing है. So it is the only conversation. It is everything. तो इतने सालों से मैं देख रही थी और मैं अपना काम कर रही थी, वो अपना कर रहे थे. एंड दिस वाज अ ग्रेट टाइम बिकॉज़ ही वाज गोइंग सोलो विद हिज ओन ज्वेलरी एंटरप्राइज एंड आई हैड टाइम नाउ. एंड यू नो, मेरी बेटी भी अब एक हिसाब से काफी बड़ी और इंडिपेंडेंट हो गई है. एंड जो मेरे परफॉर्मेंस के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी ऑटो पायलट मोड पे है, इन द सेंस ऑफ एक अच्छी सिक्योरिटी ओवर द इयर्स ऑफ वर्क है कुछ लोगों के साथ. सो इट वाज द टाइमिंग फेल सो ब्यूटिफुली टू प्ले. And I said that it would be a great way to sort of start something together. अब डर तो बहुत लगता है क्योंकि मियाँ भी साथ में काम करे तो लड़ाइयाँ भी बहुत हो सकती है. So मेरा सबसे पहले वो सवाल था. I said that I do have certain ideas that I can bring to the table, but फिर बॉस कौन होगा? So he said, don't worry. वहाँ भी तुम ही बॉस हो, like you are at home. So but the point is that yeah. So what a is that answer? How safe he is? भाई तुम बॉस रहो, लड़ाई मत करो. बिल्कुल. He is like that, so calm. जितनी hyper मैं हूँ ना, he is that calm. So he said, you want to do, you do. No worries, then I'm there. So simultaneously this happened, and you know, it was an answer in itself. That I was getting some time off from my hosting work and all, which is still touch wood. बहुत सारे virtual events हो रहे हैं. मेरे कुछ voice project take off होने वाले हैं जो मैं बहुत जल्द आपके साथ share करूँगी. So वो सब तो है ही. But I was still left with time. तो मुझे 100 चीजें करनी होती है ना एक time पे. 20 करूँगी तो bore हो जाऊँगी. तो मुझे 80 तो करनी होती है और. So it was a lovely gradual, maybe natural shift into you know, starting our own enterprise, and we called it Maidani Jewelers, which is of course family name. My full name is also Pooja Kamal Maidani, and there is already a sort of an association and connection with that name because wo naam raha hai char generations se jewelry industry mein. And touch wood, it no complaints, no looking back. It's been very exciting. Fine, very good. Aur वैसे भी Anita ma'am का भी एक sari brand है जो हम सबको बहुत अच्छे से पता है. आई थिंक ये दोनों बिजनेसेस वेंचर्स जो है ना, ये एक साथ चलेंगे पैरेलली. आई एम श्योर यू मस्ट हैव थॉट अबाउट इट ऑलरेडी. यू नो, लोग मुझे बोलते हैं कि तुम अपनी मम्मी के लेके और अपनी पति की ज्वेलरी मॉडल करने के बाद कैसे टाइम मिलता है तुम्हें और कुछ भी करने का. सो यस, बट डेफिनेटली दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. एंड हमने इतना कुछ शेयर किया इवन एज एक्टर्स टुगेदर. And ये coincidence है because mom has been in the designing you know, garments and Indian wear for over 5-6 years now. और मेरे लिए ये नया है, तो ये भी एक किस्म से coincidence, you know, jewelry मेरे लिए नहीं है, of course not for my husband. तो ये भी एक किस्म से coincidence है कि दोनों यहाँ पे भी एक किस्म से you know कुछ मिलाव है इस field of work पे भी. And luckily for both of us, हम अभी भी अपना you know performance करते रहते हैं. But हाँ, जब वेडिंग सीजन पिकअप होता है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ अमलगमेशन दैट यू कैन डू, अ लॉट ऑफ यू नो लुक्स दैट यू कैन कोऑर्डिनेट एंड पुट टुगेदर. हम रियल ज्वेलरी करते हैं, फाइन ज्वेलरी करते हैं, हम पोल की भी करते हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्कोप फॉर ऑल दीज इंडस्ट्रीज. ये साल बस थोड़ा बेहतर हो जाए, चीजें थोड़ी और, वो वापस वो 2000 लोगों के फंक्शन शुरू हो जाए. एंड एज अ होस्ट, as a jeweler, I'm really hoping after that there's going to be no looking back again. Wow, fantastic. I hope you have all the success. Aane hi wala hai, sar pe hai shaadiyon ka season to. I think sara gear up ho chuka hoga, khub sara. I'm sure you're doing a lot of posts on your social media as well and whichever marketing platforms you're using. Apart from this, you were worked in a lot of supporting roles in real life. Who has been your biggest support during your whole journey in your real life? Well, definitely my mom.
the biggest support. I mean, the kind of sacrifices that Mama has done for me to be who I am, to reach where I am. She's seen me through the toughest phases. She's been smiling and clapping for me through all my high points. When she hasn't been able to probably be a part of the project that I was doing, at least she's made her self present by babysitting for my kids so that she tells me, "Beta, tu befikar rahe, tu perform kar, main Avika ke saath." So through all of that, through my first flop, through my outdoor schedules when I would miss the ghar ki khichdi and I wasn't getting it. So from the small moment to me coming and saying, "Mama, bahut mushkil scene hai, main nahi kar paungi, main mana kar rahi hu," and she's like, "You're my daughter. You will do it." Yes. So that voice behind me is still her. Of course, my husband has been supporting me immensely. It's been 14 years now. We're together. Next week is our 11th anniversary. So he's also seen a lot of, we've all gone through our ups and downs together. So, and my daughter, the three core people in my life, my daughter. So when she was about 6.5 or something, she came up to me and I said, "I can't believe na kaam mein kisi ke saath ladai hui hai, don't talk to me, main bahut snappy mood mein." And she understands because she's seen me under pressure. She's seen me getting those jitters 10 minutes before a show and she's gone and got me a glass of water. So she came and said, "What happened, Mama?" I said, "Beta, ladai hui hai, hoti hai kabhi kabhi, it's okay, but just let me be today, irritate mat karna." So I said, "Mama, main chhod dungi, main nahi kaam karungi in logon ke saath." So she said, "Mama, aise mat bolo. Jab naya project milega, tab sochna. Lekin tab tak haath mein kaam rakho." So she was 6.5 and I'm like, "Is she my grandmother? Ye kya ho raha hai idhar?" Basically, आपका और अनीता मैम का ये मदर डॉटर ड्यूओ था, अब ये नेक्स्ट जनरेशन अविका एंड पूजा का मदर डॉटर ड्यूओ आगे चलेगा, है ना? I'm sure. बिल्कुल, in fact, hopefully हम कुछ प्लान चल रहा है that कुछ मैं और अविका भी शायद साथ में शूट करें, करते रहते हैं, बहुत कीड़े हैं दिमाग में अभी बहुत. आपने अभी पीछे एक इंटरव्यू में बोला था, I would not want my daughter to pursue acting. ये तो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो गया? आप ये सवाल जो आप आज पूछ रहे हो ना, मेरे हस्बैंड ने मुझे कल ही ये सवाल पूछा, बिकॉज़ आई वाज प्लानिंग. ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका मेरे पास एक बहुत अच्छा जवाब भी है. बिकॉज क्या हुआ, माय हस्बैंड आई सेड कि मैं ये कर रही हूँ और फिर मैं अविका के साथ ये शूट करूंगी एंड ऑल ऑफ दैट, एंड ही सेड, "वन मिनट, डोंट यू ऑलवेज से दैट मैं नहीं चाहती कि वो बड़े होकर एक्टर बने." सो मैं आपको भी उसी तरीके से समझाऊंगी. हुआ क्या था, बचपन से मम्मा दीदी और मुझे अपने साथ शूट पे ले जाती थी. अपनी दुनिया हमारे से कभी नहीं छुपाती थी. अगर कभी कोई दिल्ली में कोई छोटी एड बन रही थी, प्रोड्यूसर बोलते थे, "अनीता जी, अपनी बेटियों को ले आओ," तो वो भी हम फ्री में आ जाते थे. सो हम ऐसे पले बड़े. हाँ, उसमें क्या हुआ कि मेरी दीदी ने देखा कि ये लाइफ कैसी है, एक्टिंग करना कैसा है, और उन्होंने भी बहुत छोटी उम्र में बोल दिया था कि मैं जो भी करूंगी, मैं शायद इस इंडस्ट्री में काम करूंगी, मैं एक्टिंग कभी नहीं करूंगी. और मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं दीदी से 7 साल छोटी हूँ, लेकिन मैंने भी तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं जो भी करूंगी, मैं परफॉर्म जरूर करूंगी. सो व्हाट माय पॉइंट इज दैट, अब ये दुनिया मेरे जीवन का ये हिस्सा है, मेरी ज्वेलरी और मेरा परफॉर्म करना. मैं अपनी एक बेटी जो मेरी है, एक बच्चा है, मैं उससे कभी अपनी दुनिया छुपाऊंगी. मैं चाहूंगी कि वो देखे, मैं चाहूंगी कि वो मुझे मेरे एक फ्लॉप पे मेरा दिल टूटे, वो मुझे रोते हुए मेरा हाथ पकड़े मेरे साथ, वो मेरे शो लॉन्च होने के पहले मेरे जो पसीने छूट रहे हैं वो देखे, वो मेरे हील्स या शू बाइट्स में जो मैं 8 घंटे नाची हूँ वो मेरे पाओं के कट देखे. यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वो पूरा माहौल देखे और फिर वो एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाए. जो कहीं ना कहीं मैं होप करती हूँ कि वो ये हो कि मुझे ये नहीं करना, लेकिन क्योंकि उसने हमेशा पैदा होते से ही ये देखा है, अगर वो इसे एक्सपीरियंस नहीं करेगी, अगर मैं उससे ये छुपा के रखूंगी, तो कहीं ना कहीं उसे लगेगा दैट आई वाज नेवर अलाउड टू डू, मम्मा ने मुझे कभी नहीं ट्राई. मैं चाहती हूँ कि वो ट्राई करे और खुद उसे एहसास हो, जो हम बोलते हैं इस इंडस्ट्री में जो इतने सालों से हैं कैमरा के सामने, दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इजंट गोल्ड, वो पीछे से कितना मुश्किल है, क्या क्या होता है, हमने देखा है. So I want her to be very, very aware. If after being that aware, she decides to do it, yes, I will support her. And I will hope that her heart isn't broken, she gets the work that, is due to her. But having said that, I would somewhere deep down really, really hope that she doesn't. Chalo, that, I think time will decide. And time will decide. Let her decide. Tab tak, it's a free world and I will allow her to, explore everything in life. या आई एग्री. आपने एक ये जो यू बीन द होस्ट ऑफ सास बहू और बेटियां,
जिसमें इतने सारे डेली सोप्स की एक्साइटिंग न्यूज़ शेयर होती थी एंड आप खुद करते हो, इन सब में वैसे पर्सनल फेवरेट कौन सा है आपका? एंड अगर उसमें कोई कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिले तो कौन सा करेंगे? पर्सनल फेवरेट सीरियल? हाँ मैं कोई शो इन पर्टिकुलर शायद ना बोल पाऊँ, लेकिन मैं हमेशा एज एन एक्टर कॉमेडी की तरफ अपने आप को बहुत ड्रॉन फील करती हूँ. सो आई लव भाभी जी घर पर है, आई लव द अंडरटोन एंड आई लव द वेरी नॉट इन योर फेस स्लैपस्टिक कॉमेडी. आई लव दैट लिटिल क्लासी सटल अंडरटोन. और नॉट जस्ट दैट, अभी शायद एकदम से मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन डेफिनेटली कॉमेडी कॉमेडी ना भी हो तो स्लाइस ऑफ लाइफ बट feel good shows and thankfully for me main ek aise show ka hissa reh chuki hu sasural ki tab yes but what I enjoyed since aapne saas bahu ko beniya ki baat ki really took me down memory lane I think 5 saalon mein lagbhag 1500 agar maine episode puske honge it was a daily show but main proudly bol sakti hu that except dulhan ka character jo mujhe ya kisi tyohar mein jo tyohar hota tha hame us tyohar ki theme pe बट बिसाइड्स दैट आई डोंट थिंक मैंने कोई कैरेक्टर रिपीट किया और सब में एक कॉमेडी ट्विस्ट में आके एंकर किया एपिसोड को. तो चाहे मैं दूध वाला या दूध वाली, मतलब आई हैव बीन बिकम एवरीथिंग. अगर मुझे कोई कैरेक्टर है जो तुमने अभी तक नहीं किया, मैंने सास बहू और बेटिया में ऑलरेडी कर लिया. चाहे वो चंद घंटों के लिए हो और मुझे उसमें परफॉर्म करने के लिए कई साल उस रूम में ना रहना हो, बट थैंकफुली फॉर मी सास बहू और बेटिया ने मुझे इतना कुछ 5 सालों में एज अ परफॉर्मर करने को दिया. मैं मेड बन चुकी हूँ उसमें, मैं बड़े बड़े हीरोज की एक्टिंग कर चुकी हूँ, हीरोइंस. तो ऑफकोर्स जब बाजीराव मस्तानी रिलीज हुई तो वो गेटअप लिया हमने खुद से, वो गेटअप कितने अरेंज किए, उनपे कितना काम किया, उनके गानों को परफॉर्म किया, मैंने कवालियां की, मैंने सरदार जी बनी हूँ, मैं गोवन बनी हूँ, मैंने मेरी कैथलिक वेडिंग हुई है, मेरी बंगाली वेडिंग हुई है, मेरी मुस्लिम वेडिंग हुई है, मैं हर किस्म की दुल्हन बनी. तो थैंकफुली फॉर मी मैं उस एक शो ने मुझे एक जन्म भर का एक्सपीरियंस एज एन एक्टर दिया है. एंड नॉट जस्ट एम आई वेरी प्राउड ऑफ इट बट इट्स ऑल्सो मेड सम ब्यूटिफुल मेमोरी. तो और मैंने सबको कॉमेडी अंदाज में किया क्योंकि वो मेरी थोड़ी है कि मुझे सब चीज फनी तरीके में करना. और जब आप एंकर कर रहे हो आप उसको एज यू नो यू कैन टेक इट ऑन व्हाटएवर नोट यू वांट राइट. सो मैंने मजे ले लेके टच वुड फैंटास्टिक. बट इसके अलावा डोंट यू थिंक आजकल ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी बड़ा एक डिफरेंट और नए-नए कॉन्सेप्ट्स ला रहे हैं और पॉपुलैरिटी हो रही है. ऑफ कोर्स यू थिंक दैट दीस मेजर शोज विल be replaced by what content is being floated on the OTT platform or it try to replace the television do you think I think wo hi raha hai. I think kafi had tak hum as audience bhi badal rahe hain. So that hum apne aap se apne hi gharon se dekhe to it's very very clear cinemas jane ka tarika dhang badal raha hai, movies dekhne ka har cheez badal rahi hai, GEC channels dekhne ka tarika badal raha hai. But thankfully for us, all our content makers are also very, of course, adept with the whole situation. They're very aware. So, वो भी अपने आप को उस तरीके से mold कर पा रहे हैं, वो भी apps पे आ रहे हैं, अपने content को tweak कर पा रहे हैं, जो उन्हें पता है कि दोनों तरह चल सके. And our whole viewing habits have changed. And I think that for actors, it's really, really good. क्योंकि हम पहले एक अलग किस्म की ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे थे जब हम सिर्फ सिर्फ सीरियल्स चल रहे थे एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म बिल्कुल नहीं थे, तो वो अलग किस्म की ऑडियंस थी. लेकिन इसके आने से मैं नहीं कहूंगी कि वो ऑडियंस बदल गई है, लेकिन वो ऑडियंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है. तो अब हम हर किस्म का काम दे सकते हैं एंड शॉर्ट फिल्म बहुत बन रही है. आई हैव ऑल्सो डन टू शॉर्ट फिल्म, वन इज सून आई विल बी एबल टू टेल यू अबाउट इट. सो फॉर एक्टर्स कहीं कहीं ये भी होता है कि मुझे एक डेली सोप में एक कैरेक्टर लेके 2-3 साल नहीं करना. तो बहुत सारे एक्टर्स को कभी कभी काम इस वजह से नहीं मिलता क्योंकि वो बनना नहीं चाहते. लेकिन अब एज एक्टर्स आपको एक्सप्लोर करने के कितने मौके मिल रहे हैं, सीजन आने लग गए हैं चीजों के. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टाइम फॉर एक्टर्स एक्चुअली, फॉर परफॉर्मर्स. और दुनिया बहुत ज्यादा खुल गई है. अनिता मैम ने भी सेम चीज कही थी कि मतलब अ लॉट ऑफ वर्क इज नाउ बीइंग फ्लोटेड आउट इन द इंडस्ट्री एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल बीइंग पोर्ट्रेड इन ट्रू स्टोरीज एज वेल. अभी आपने लेटेस्ट ओटीटी पे कोई सीरीज देखी है? व्हिच वन डिड यू लाइक? हां
मैंने अभी देखी है सूटेबल बॉय, मैंने देखी है बंदिश बैंडिट्स, एंड ऑफ कोर्स आई नो मम्मा आल्सो सेड दिस बट वी बोथ, हमने साथ मिलके नहीं बट वी वॉच्ड एमिली इन पेरिस अपने अपने घरों में, तो हमारी कॉन्वर्सेशन होती थी, अच्छा आप कौन से एपिसोड पे पहुंचे, शीते सीखता है, नहीं नहीं मैं 3 पे पहुंचू, मत बताना आगे क्या होता सो वो सब होता था, बट आई हैव लव्ड, आई एम अ बिग 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 म्यूजिक लवर, सो बंदिश बैंडिट्स तो टचवुड आई थिंक वाज जस्ट फिनोमिनल, amazing, amazing. I loved Suitable Boy. मैंने कल Suitable Boy खत्म किया है, तो I loved the way it just took me into an era which there was always a lot of curiosity for, but the way it made me feel कि मैं उस ज़माने की भी life जी चुकी हूँ by just you know because I binge watched it, so I think it was love. एक्शन सीरीज नहीं देखते मिर्जापुर? मैं एक्शन नहीं देखती हूँ, मैं जब एक्शन के लिए डब करती हूँ मैं तभी देखती हूँ क्योंकि मैंने कहा मैं बोलूँ कि मैं एक्शन सीरीज नहीं देखती हूँ तो नीचे कमेंट्स आ जाएंगी, लेकिन आप तो कैप्टन मार्वल है तो मैं वो भी क्लियर कर रही हूँ, डबिंग करती हूँ मैं तो सब देखती हूँ, अपने सीन नहीं होते दूसरों के सीन भी देखती हूँ, लेकिन पर्सनली मैं एक्शन नहीं देखती हूँ मेरी लाइफ में बहुत एक्शन है सही है बहुत. On this note, I'm going to start off a segment that we have. It's called the one word, one line answer. And I'm going to ask you a certain set of questions, जिसमें आप एक word या एक line में answer कर सकते हैं. Are you ready? I'm scared. Okay, let's start. Start. What makes you happy? Well, there's a lot of laughter around me. I feel happy, which is why I love to make people laugh. Okay. What do you do in your vela time? Exercise, dance, and cuddle a lot with my daughter. Okay. 3 words to define yourself. Energetic, bubbly, simple. Okay. Favorite cuisine? Indian, Gujarati food. Kuch special? ये बता सकते हैं. I love Gujarati food. I love Gujarati dal, thepla, dhokla, everything. And if not Gujarati food, I love Mexican if we speak of international. And I love Rajma Chawal, but I love Gujarati. I'm a Panju married to a Sindhi, but I kept a Gujarati cook. No connection. I just love Guju. Okay. Vegetarian, non-vegetarian? Vegetarian. Okay. Favorite social media platform? Instagram. Just addicted now. I don't think we have a choice. Okay. Saturday night, gossip with friends or family movie time? What if the option is neither of the two? Girls night out? Girls night out with mad Bollywood music, with dancing on the tables, mad dance, matlab paglon wala dance. That is Saturday night. No, that was the best answer. Option C was better than the other two. और उस काम की थकान को अपने आप से पूरा रिलीज करने के लिए मैं सिर्फ डांस के बारे में सोच सकती हूं. वैसे शो होस्ट वाले लोग ना ज्यादातर गॉसिप करते हैं, मतलब ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टिंग हो गया है. ऑन स्क्रीन गॉसिप करने के पैसे लेते हैं, फ्री में नहीं करते. अरे वन वर्ड वन लाइन था भाई, वापस आओ. इसके पहले के पूजा एक किताब लिखते व्हिच आई एम नोन फॉर बाय द वे. व्हाट इज द मोस्ट, व्हाट इज द वन थिंग दैट यू आर मोस्ट अफ्रेड ऑफ? अनपीसफुल सिचुएशन. ओके. बेस्ट गिफ्ट एवर रिसीव्ड? My daughter. मैं बोलने वाला था कि I don't want to hear Amika anything else. I know that is already the best. The best gift is the fact that I have a little girl. Girl like this thing because it was my dream and it happened. So yeah. अरे भाई, let me rephrase the question. What is the best gift that you ever received on a Valentine's Day from your husband? कुछ तो. I don't receive Valentine's gifts from my husband. From anybody for that matter. Your mom has a sari brand. Come on. Never, never. No gifts. If any gifts, it's just food, food, food. That's it. Very big food. So yeah, no gifts. Specifically Gujarati food award.
No, when I go out, I'm happy to like try a lot of different cuisines. But dil se wo pata nahi kya hai for stuff for teplas. I don't know what. Definitely not on a Valentine's Day. If I tell my husband, can you get me teplas on this Valentine's Day? He'll be like, who have I married? So no, before you're imagining me with my husband with this candlelight dinner and one dal dhoki in the middle, no. It's not happening. Not happening. The final question for today, favorite holiday destination? Favorite holiday destination? Budapest. I've actually been to Budapest on a work trip, which I extended to 2 days of holidaying alone. And I still have this major thing that I want to go there with my husband, with my daughter, with my family. I think again, Australia and Budapest, these two. So yeah, I would definitely want to do a lot more holiday time in these two. So this is the end of the one word, one line. Usme bahut sari line ho gaye, bahut sare word ho gaye. Technically, aisa hota nahi hai. But go on. Nahin, I have to tell myself only one word, yeah. Oh, aise, theek hai. It was really, really fun. Ye wala one word, one line achha tha. So, I'm going to ask you another one or two more questions before we wrap this up. You are also a member of Cinta. What is the, how's the experience? I mean, there are very senior people who are members. Abhay Bhargav ji we interviewed and a lot of people who are members of Cinta. Cinta actually in the lockdown did a lot of stuff for the industry and those workers and people who are working. How is your experience of Cinta and what are the good activities now to revive the industry again and to help those out that are happening? जो सवाल ये दो पेजेस का होता है उसका जवाब एक शब्द में कैसे दिया जाता है? Thank you. फिर मैं फ्री हूँ, ओके, फिर then it's okay, I'm wondering इसका जवाब मैं एक शब्द में कैसे दूँ? So as you know कि हाँ काफी सालों से मैं सिंटा के साथ thankfully member, they allowed me to be a member, which I'm very grateful to them for. And mamma काफी active है Cinta में, तो you know more than anything, of course there are bodies of work wherever आप जहाँ भी कुछ भी करें will be a part of a certain body. But यहाँ पे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि एक sense of feeling of you know अपना home है, ये अपनी बिरादरी है, अपने लोग हैं, अपने एक वो जो बहुत ही जुड़ी हुई feeling. There's so many people in Cinta on the forefront that have been working with mom since मैं literally short के बीच में जब मम्मा की गोद में बैठी होती थी, तो वो भी सब हैं और मैं उनको तब से मेरे को लगता है कि यहाँ सब मेरे परिवार का एक हिस्सा है. तो unfortunately मैं ज़्यादा time नहीं दे पाती हूँ Cinta की activities को, but एक इतना अच्छा लगता है to just know that a body that is doing such wonderful work as you mentioned, that even through the tough times holding all the actors together. हमें तो पता ही है कि हर इंडस्ट्री कितनी हिट हुई है, लेकिन हमारे लिए कितनी बड़ी. इवन टुडे जो लोग जैसे हम, जैसे मैं होस्ट करती हूँ लाइव शोज जहाँ 1000-1500 से कम के यू नो नंबर्स में शोज होते ही नहीं है, वो इंडस्ट्री अभी तक वापस नहीं आई है. हाँ सीरियल शूट हो रहे हैं, वेब हो रहा है एंड अ लॉट ऑफ यू नो डबिंग इज हैपनिंग, बट अभी तक अगर हम बोले कि अब सब ठीक हो गया, अभी तक बहुत सारी चीजें हैं जो ठीक नहीं हुई है. There used to be a lot of travel involved in the work that I did. But never mind, having said that, ups and downs सबने देखे हैं और खास करके ऐसे समय में तो कि you know the gravity of the situation is a lot. Absolutely. Coming back to what Cinta has done has been amazing and I feel a huge sense of pride. जैसे मैंने कहा that I feel very grateful to them that they've allowed me to be a member and it also gives me this sense of you know this value that we should bring something. Some value to ये वो जो Cinta का एक card है, वो सिर्फ एक card नहीं है, वो एक जिम्मेदारी भी है. And I feel like a part of a larger solar system and a part of this one big family. Feels really nice. Thank you so much. Aaj to you know joining with the fans of this show and your fans. Any message you have for your fans and the young aspirants who are still struggling to make a mark in the industry? I think I'll tell the young aspirants the same thing that I always say, that all that glitters isn't gold.
बहुत सारी चीजें हैं जो जब तक आप उन्हें उनके साथ गुजर नहीं चुके हो आपको कभी एहसास नहीं होगा कि वो किस हद तक मुश्किल हो सकती है. नॉट आस्किंग फॉर एनी सिंपैथी, सब अपने पूरे होशो आवाज में ही डिसीजन लेते हैं किसी इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए. एंड व्हेन यू डू इट यू हैव टू टेक इट विद ऑल दैट कम्स योर वे. बट लिटिल सेंसिटिविटी समटाइम्स, इवन अगर हम देखें तो सोशल मीडिया पे अगर हमें इतना प्यार मिलता है, कभी कभी कुछ चीजें होती हैं जो समझ नहीं आती हैं. जैसे कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो यू नो इट्स लाइक आप हमारे गुड मॉर्निंग का रिप्लाई नहीं करते, व्हिच इज नाइस, इट्स लव, बट यू नो आपने उस फ्रेंड के साथ उस शो में काम किया तो उन्हें हमारा ये मैसेज दीजिए. देन हम सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं टू वर्क हार्ड टू कीप इट ऑल टुगेदर ऑन द होम फ्रंट ऑन द वर्क फ्रंट. एंड यू नो don't push anybody to do anything they don't want to do because you will never understand till you wear their shoes what their lives are all about. So a little sensitivity, yes, keep the love coming, it's very very welcome. And a very big message to all our listeners is that you must watch Sujay's show. He's amazing. He puts and Saturday Stardom Live is a beautiful platform. मैं बहुत excited थी जब से मुझे call आया कि मुझे इस platform पे आना है. As a host, अब मैंने भी बहुत, in fact, as you know कि मैं सास बहू और बेटियां कर रही थी तो lockdown में जब हमारा show काफी time you know air पे नहीं गया था तो मैं यही कर रही थी. मैं लोगों के साथ converse करके हमारे YouTube channel पे जा रहा था तो ऐसे ही रिमोटली हम लोग बैठ के इंटरव्यू कर रहे थे. तो व्हाट इट टेक्स टू सेट अप अ ब्यूटीफुल सेटअप लाइक दिस, टू एक्चुअली गेट पीपल्स डेट्स, टू मेक देम कंफर्टेबल, टू डू होमवर्क ऑन देम, और ये जो 30 मिनट्स आप देख रहे हैं उसके पीछे इतना कुछ जाता है. आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म इज डूइंग इट सो सो ब्यूटीफुली दैट आप देखते रहिए, प्यार देते रहिए ताकि ये ऐसे ही बढ़ता रहे. थैंक यू सो मच पूजा, थैंक यू सो मच. And thank you everyone for whoever is watching. I want to really thank Pooja for saying such nice things about my channel. And I hope you also had a good time here. And also everybody who's watching it, please do follow Pooja. She's there on Instagram. And if you like the show, please do share the link with everyone that you know in your circle. I would love. How sweet. That's... Thank you so much for joining in today. Yes, thank you so much for having me. I hope हमारी मुलाकात हो. आप तो अकेले अकेले दिल्ली की ठंड का मजा ले रहे हैं, मुंबई में सेकेंड समर फुल स्विंग में है इस वक्त, लेकिन आई होप किसी दिन ये दुनिया पहले की तरह एक बार फिर से खुल जाए और फिर से छोटी सी हो जाए और हम कुछ रियल लाइफ में भी एंटरटेनमेंट साथ में सोच सकें. और जैसा हमारा एक ही मकसद है अपने ऑडियंस को एंटरटेन करना, तो होपफुली वी कैन कोलैबोरेट इन मेनी वेज. और यस प्लीज सुजय, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग अस, प्लीज डू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम पेज, बिकॉज इफ यू लाइक द क्रेजी मी दैट आई एम, आई थिंक आई कीप अ लॉट ऑफ मैडनेस ओवर देयर ऑन माय इंस्टा पेज जा कमल एम. सो यस एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस. और अगर आपने एंड तक की इंटरव्यू देखी है तो थैंक यू. ऑलराइट, थैंक यू सो मच पूजा, हैव अ ग्रेट डे. You too. Okay. Bye-bye. Bye. Good night, guys. So this was Pooja Kaval, जिनके साथ हमने इतनी hilarious बातें की. आज के लिए इतना ही. Next week एक और celebrity को लेके आऊंगा जिनकी life के बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे. अगर आपको ये video अच्छा लगा हो तो like करें, friends and family के साथ share करें इस video का link. और हाँ, channel को subscribe करना ना भूलें. Till next Saturday, I hope and I pray that you stay safe and protected. Till then, namaskar.